यहाँ पे देखिए साइन 75 का मान कैसे निकालेंगे, साइन 15 का मान निकालना है, कॉस 75 का मान निकालना है या कॉस 15 का मान निकालना है, कैसे निकलेगा? क्योंकि आसान तरीके से आप बहुत सारा वैल्यू निकालना सीख लिए हैं, बट इसका क्या हाल है, ये कैसे होगा? तो एक कमाल का ट्रिक सीखने वाले हैं, फॉर्मूला सीखने वाले हैं, मेथड सीखने वाले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट निकालने का तरीका आपको पक्का मालूम हो जाने वाला है। एक बात सुनिए, आपको मतलब चाहिए कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फुल कंसेप्ट, तो आपको करना कुछ नहीं, लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री बाई आर के सिंह, तो आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएगा, एक तरीका हुआ। अब चाहते हैं कि नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग तरीका सिखाए, कि बहुत सारे बच्चे महान हैं, क्या करते हैं थोड़ा देखते हैं वीडियो स्किप करते हैं, तो अगर चाहते हैं कि बढ़िया से पूरा ट्रिक हमको मिले ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप सर्च करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक बाई आर के सिंह, तो आपके पास बहुत सारा वीडियो आएगा। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से किसी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ें, तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जाके चैप्टर पढ़ सकते हैं, 11th या 12th या बीएससी कुछ भी हो। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम ना जा प्लेलिस्ट में खोज लें, तो सर्च कीजिए चैप्टर का नाम बाई आर के सिंह, तो भी आ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं मिल रहा आपको, तो भाई नंबर ही दे दिए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कह देंगे हम, भेज दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या टेक्निक है सब कुछ समझेंगे। पहले एक फार्मूला आपको हम दे रहे हैं, इस फार्मूला को देखिए, क्या है फार्मूला देख ले रहे हैं ना, इसको नोट कर लीजिए रोक के, है ना, और तब देखिए कैसे कमाल की बात है यहाँ पे कैसे सिखा रहे हैं हम। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे साइन 75 डिग्री, है ना, सीखिए यहाँ पे इस 75 डिग्री कोई भी एंगल दिया रहे, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, इस तरीके से तोड़ते हैं कि उसका दोनों का मान हमको पहले से मालूम हो। जैसे हम 75 को तोड़ लेंगे, कैसे हमारे दिमाग में आ सकता है कि सर हम तोड़ लेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये भी तो 75 डिग्री हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, तो 90 डिग्री का मान पता होगा साइन कॉस का, लेकिन 15 का मान कैसे, वो तो खुद निकालने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो ये हमारा पॉलिसी फेल हो जाएगा। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं 45 प्लस 30, हाँ ये एक बेहतर सुझाव है। देखिए हमारा दिमाग जो है नहीं बतवा कहता है हमसे कि भैया ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब हुआ यहाँ पे साइन 75 कैसे लिखाएगा, देखिए तो 45 प्लस 30 लिखाएगा, है ना, यहाँ देखिए। अब क्या होगा, यह हो गया ए का काम करेगा, यह बी का काम करेगा, यह ए का काम करेगा, यह बी का काम करेगा। तो फार्मूला तो आपको बता दिए हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, ए का मतलब 75, साइन ए, ए का मतलब 45, साइन ए, कॉस बी, कॉस बी का मतलब 30 है, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो यहां पे क्या होगा, देखिए साइन 45 का मान कितना होगा बताइए, 1/√2 होगा, गुना कॉस 30 का मान कितना होगा, √3/2 होगा। अच्छा कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, कॉस 30 का, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब देख पा रहे हैं हम लोग कि √3/√2 प्लस 1/√2। तो यहाँ पे एलसीएम जो है आपका, एलसीएम तो सेम ही आ रहा है, तो क्या हो गया √3 प्लस 1/√2। अब यहाँ से परमीकरण मत कीजिएगा, यही क्या हो गया हमारा आंसर होगा, किसका वैल्यू है ये, साइन साइन 75 डिग्री का ये वैल्यू है, है ना। ऐसे है, ठीक है, तो एक शानदार तरीके से हम निकाल सकते हैं। सारा खेल किसका हुआ, सारा खेल फार्मूला का है, फार्मूला अगर क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या आप 15 के बारे में सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे 15 के बारे में, देखिए अगर आप सोचेंगे, देखिए 15 के बारे में, 75-15 की बातें हो रही है, तो 15 के बारे में क्या सोचेंगे, हमारे पास दो आइडिया आएगा, एक तो 60 माइनस 45 कर लीजिए, ये भी सही है, ये भी लॉजिक सही है, दिमाग मेरा कभी कभी जितना भी सजेशन देता है सब सही देता है, ऐसा भी होता है, पांच की बात करेगा पांचों सही होगा, हम पांचों में कोई मान लेंगे, तो
मानिए इसको। अच्छा 15 के बारे में एक और बात कहता है कि भैया 15 के बारे में तो 45 माइनस 300 मान सकते हैं आप, तो आप किसी को भी, दोनों में किसी को भी बैठा लीजिए और फार्मूला आपके सामने दिए थे चार टर्म ए बी थीटा फाई कुछ भी एक्स वाई कुछ भी, देखिए साइन एक्स प्लस वाई कहा जाए, साइन ए प्लस बी कहा जाए, साइन थीटा माइनस फाई कहा जाए, थीटा प्लस फाई कहा जाए, साइन अल्फा प्लस बीटा कहा जाए, कुछ कहेगा दुग एंगल कहेगा ना, फार्मूला तो दिया रहेगा, आप उसे सेट करके बैठा लीजिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, मतलब पुट करो गेट करो पाओ। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने आप आराम से निकाल देंगे, समझे ना, जो भी एंगल देगा उसको इस प्रकार से तोड़ना है जिसका वैल्यू पता हो। और इस प्रकार जब क्वेश्चन आता है ना तो लगभग क्या होता है 15 के पहाड़े में होता है, 15 के टेबल में, जैसे देखिए 75 का मान पूछ दिया आपसे, उसके बाद पूछ दिया आपको कितना 15 का मान, 105 पूछ देगा, 135 पूछ देगा, है ना, तो बड़े चतुराई से निकालना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं ना सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको मतलब कि बहुत पुण्य होगा, और किसी प्रकार की वीडियो देखना है जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आसानी समझ में सब कुछ आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।